उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सियासत का आज बेहद अहम दिन है। आज मायावती और अखिलेश यादव एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले लखनऊ शहर में किस तरह से गठबंधन की आहट महसूस की जा रही है आपको दिखाना चाहेंगे कि ये 5 कालिदास मार्ग का जो चौराहा है मुख्यमंत्री आवास का, वहाँ पर किस तरह से सपा और बसपा के झंडे लगे हुए हैं। इसके अलावा बैनर से सड़कें पटी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बसपा व सपा आई हैं, नई क्रांति लाई हैं। ये कौन सी क्रांति होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो गठबंधन का औपचारिक ऐलान जहां पर आज किया जा सकता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हज़रतगंज से लेकर गोमती नगर के ताज होटल तक इस तरह की तस्वीरें हैं जहाँ झंडे बसपा और सपा के लगाए हुए गए हैं पूरे रास्ते में। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सपा और बसपा ने जो बिगुल फूका है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और गठबंधन के औपचारिक ऐलान से पहले भी नज़र आ रहा है। पूरे रास्ते में जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है गोमती नगर में, हज़रतगंज से लेकर वहां तक झंडे लगे हुए हैं सपा और बसपा के। अब निगाहें सभी की टिकी हुई हैं कि इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या होता है, क्या मायावती और अखिलेश की तरफ से बयान आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और गठबंधन को लेकर क्या ऐलान किया जाता है, क्या सीटों के बंटवारे का भी आज ऐलान होता है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन उससे पहले जो सपा और बसपा का जो गठबंधन है उससे पूरी तरह से रंगा हुआ लखनऊ शहर नज़र आ रहा है। चलिए, पूरे लखनऊ में सपा और बसपा के झंडे नजर आ रहे हैं। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके पूरे रास्ते पर दोनों के